बेटियों के स्कूल का अगर वहां रखवा दिया तो वहां टीचर उसको कहते मैं इसमें निकाल के बाहर फेंक दूंगा, और हद तो ये उन्होंने पानी खोल करके उस चूने के अंदर पानी चला कर चूना ही निकाल कर दिया टीचर ने। तो आखिर इसका कोई समाधान बताएं कि हम कैसे वहां रखें अपने सामान को। हम चूना मंगाए तो कहाँ रखें, हम झाड़ू मंगाए कहाँ रखें, बेलचा मंगाए कहाँ रखें, रिक्शे कहाँ खड़े करें। हमारी जो सफाई कर्मी महिला है, चलो जेंट्स की तो मैं नहीं कह रहा, वैसे तो स्वच्छ भारत अभियान दुनिया देखती है जेंट्स का हो गया पेशाब करता है तो, लेकिन मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ। वो मेरी बहन कहाँ जाकर के टॉयलेट के लिए जाए, वो कहाँ बैठे कि हमें टॉयलेट तक नहीं बना सके मेरे वार्ड के अंदर। जगह जगह 500 मीटर पर एक टॉयलेट होगा, हर जगह पे एक टॉयलेट होगा, मेरे वार्ड में आज तक कुछ नहीं बन पाया। तो मैं आपका रिक्वेस्ट समझ लो, मेरी गुजारिश समझ लो, मैं आपसे विनम्रता से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि इस ओर ध्यान दें आप लोग, डीसी साहब आप भी, और आपकी बड़ा गंभीर विषय है कि मेरे वार्ड में या तो मुझे स्कूल में जगह प्रोवाइड कराए कि मैं उस सामान को रख सकूं, या फिर मेरे यहाँ कोई स्टोर बनवाए। एक चीज, दूसरी चीज में ये कहना चाह रहा था, यहाँ भाई साहब बैठे हैं डीएससीएस से, और ये कह रहे थे कि वो लाइट जो है खंभे पे नहीं होगी, अलग होगी। तो मैं भाई साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या क्राइटेरिया तय किया गया लाइट लगाने का, स्ट्रीट लाइट का, वो जरा सा बताएं कि स्ट्रीट लाइट कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, सिर्फ खंभे पर लगेगी, और हमने किस लिए लगाई है स्ट्रीट लाइट है। हमने स्ट्रीट लाइट इसलिए लगाई है कि इलाकों में रोशनी रह सके और लोग को परेशानी ना हो, चोरी चकारी ना हो, उजाला रह सके इलाकों में। तो उसके लिए आप समझ लें, अगर खंभा किसी भी इलाके में अगर पोल बहुत दूरी पर है कि एक पोल की रोशनी दूसरे पोल तक नहीं पहुंच रही और बीच में कोई पोल ही नहीं है, तो आप सिर्फ इसलिए नहीं लगा देते लाइट वहां पर कि कोई हादसा ना हो जाए मकान पर, घर पर। इसलिए अगर वो आदमी अपने बिजली के बिल के साथ एक लेटर देता था कि साहब मेरी जिम्मेदारी है, इस लाइट से कोई चोरी या कोई हादसा होता तो मैं जिम्मेदार हूँ, तो हम फौरन वहां लाइट लगा देते। ऐसा ही होता है आज तक, तो ये कौन सा नया कानून आ गया कि दीवार पर नहीं लगेगी, पर वहां नहीं लगेगी। मेरे ऐसी ऐसी गलियां हैं, पतली गलियां, जहाँ भाई साहब खंभा लगभग 100-100 मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर है, तो वहां लाइट कैसे लगाएंगे, कैसे रोशनी करेंगे वहां पर। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मैटर तो मैंने आपको बता दिया, मेरे यहाँ मैं डीसी साहब से जब ये नए नए आए थे तभी मैंने मुलाकात की, और मुलाकात करके मैंने इनको एक शिकायत की कि मेरे यहाँ बैटरी का बड़ा काम है, क्योंकि मेरे यहाँ मीट शॉप बहुत सारी है। उन मीट शॉपों पर होता क्या है, मेरे यहाँ एक इंस्पेक्टर है जिसका नाम है जेपी शर्मा, वो जेपी शर्मा की ऐसी धड़ल्ली मां चल रही है, जो आदमी उसको 40 से 50 हजार रुपए देगा वो उसका लाइसेंस बनाएगा, जो 20 हजार रुपए देगा उसका रिन्यू करेगा, अदरवाइज तो वो धड़ल्ली का कुछ नहीं करता। अब आप हिसाब सुनिए, मेरे यहाँ से 4 लोगों ने लाइसेंस जमा किए, उनकी दुकान छोटी नहीं, उनका कोई और कमी नहीं, उन चारों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। जेपी शर्मा बोलता है कि आप वहां जाइए, दलाल है कोई उसके पास भेजता है, उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा फीस जमा करिए, मैंने डीसी साहब को नाम लिखवाया, तो ये 4 आदमियों ने यहाँ पर्ची कटाई है और इनके यहाँ जमा है पैसे, इनके लाइसेंस किस कारण से नहीं बन रहे, इन्होंने कहा मैं देखूंगा। डीसी साहब आप शायद भूल गए, मैंने रंगा साहब को भी कहा कितने लाइसेंस रिन्यू हुए, कितने नए बनाए, जिस लाइसेंस को हम रिक्वेस्ट कर देंगे वो कभी नहीं बनेगा, उनकी फाइल नहीं होती, इन्होंने कह दिया कि फाइल कोई फाइल नहीं है। अरे साहब, जिसने फीस कटवाई, जिसने पैसा जमा किया, उसकी फाइल कैसे हो सकती है। तो एक तो मैं डीसी साहब आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बराए मेहरबानी इन आदमियों से पूछे, उस आदमी का इलाज करें जिसका नाम जेपी शर्मा है, उसने बहुत आतंक मचा रखा मेरे इलाके में। और दूसरी चीज, एक लाइसेंस के लिए मैंने पर्सनली मना किया कि यहाँ लाइसेंस नहीं बनना चाहिए, रंगा साहब से भी और जेपी शर्मा से भी ये लाइसेंस नहीं बनना चाहिए, इलाके के लोग नहीं चाहते, मस्जिद के पास है, वहाँ 20 से 25 दुकानें दोष की है ऑलरेडी, और वही एक और लाइसेंस, मैंने कहा मत बनवाइए, स्पेशली उसको लाइसेंस दिया, वो इलाके में कहता घंटा 80,000 मांग रहे थे, 1-20 देकर आया लाइसेंस लेकर आया, मैंने मना किया पर्सनली, तो उसको लाइसेंस दिया गया, जिनको मैं कहता हूँ नहीं दिया जाता। तो ये क्या हो रहा है, ये जरा सा जानने की जरूरत है। एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे इलाके में एक गली है बहुत बड़ा रोड, जिसमें 2 मस्जिद है,
भट्टे वाला रोड कहलाता है साहब। दो मस्जिद है, रमजान का बाद महीना चल रहा है, एक टेंडर हुआ मेरे यहाँ। टेंडर होने के बाद में वो गली शुरू हुई, उस गली की आधी नाली लगभग 200-300 मीटर या 350 मीटर नाली उसकी बन गई, और बनने के बाद ठेकेदार काम छोड़ के चला जाता है, साहब पैसा नहीं है, वर्क ऑर्डर नहीं मिला। मैं एक्शन साहब से पूछता हूँ, बैठे हुए हैं यहाँ, तो इन्होंने कहा साहब हमने वर्क ऑर्डर पूरा दे रखा, 25 लाख रुपए का या 21 लाख का जो काम है हमने पूरा वर्क ऑर्डर दे रखा। अब रमजान के महीने में भी दो मस्जिद, एक मस्जिद के आगे नाली बंद है, दूसरी के आगे पानी भरा पड़ा है। एक आदमी अगर नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो एक कदम भी गंदे पानी में पड़ती है, उसे वजू करने दोबारा जाना पड़ता है, वो नमाज नहीं अदा कर सकता। तो मैं इनसे तो बहुत बार कह चुका हूँ, इन्होंने 31 तारीख मुझे लास्ट कही थी कि काम शुरू करा देंगे, लेकिन हुआ नहीं वो काम। तो बराए मेहरबानी मेरे उस काम को शुरू करा दे नीचे साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे इलाके के लोग 50-50, 100-100 लोग इकट्ठे होकर मेरे घर पर पथराव करने के लिए तैयार है। तो आप इस पर खास ध्यान दें कि वो काम अधूरा पड़ा है, टूटा पड़ा है, वहाँ चबूतरे चौधरे सब कुछ ऐसी बेकार पड़ी है, तो उसे जल्द से जल्द शुरू कराए।